हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इनफिनिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को ग्राफिकल मेथड से किस तरह से करते हैं। अदरवाइज कंटिन्यूटी चेक करनी हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ती है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है और काफी टाइम लग जाता है एग्जाम में। तो ग्राफिकल मेथड से बिल्कुल ईजी है इसे चेक करना। तो किस तरह से चेक करेंगे, अगर आपको फंक्शन का ग्राफ पता है या आप ड्रॉ कर सकते हैं तो ग्राफिकल मेथड से ही चेक करना इजी रहता है। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स ले लेते हैं, इसका ग्राफ क्या रहेगा, इस तरह से बनेगा ये। तो कंटिन्यूटी किस तरह देखनी होती है, अगर हम फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। हमें चेक करना है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो चेक कर रहे हैं। तो ग्राफ को हम विदाउट पेन लिफ्टिंग ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। एंड डिफरेंशिएबिलिटी किस तरह चेक करते हैं, जिस पॉइंट पे जो ग्राफ है वो शार्प कॉर्नर दे वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसके अलावा सभी पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे यहां एक्स जीरो पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, दिस वन इज शार्प कॉर्नर, तो यहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा और जीरो के अलावा हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो एट जीरो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस तो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और एग्जांपल देखते हैं, स्टेटमेंट है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फोर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, एंड यहां है वन फोर जीरो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू वन, एंड वन ओवर एक्स फोर एक्स ग्रेटर देन वन। तो यहां कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमें x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू वन पे। ग्राफ बना लेते हैं, क्या बनेगा ग्राफ, x लेस देन जीरो के लिए x स्क्वायर है तो यहां ये पैराबोला जैसे ड्रॉ करते हैं लेस देन जीरो के लिए, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से, एंड इक्वल टू जीरो तक ये बनेगा, एंड x जब जीरो से वन में है तो वन, यहां ये वन ले लेते हैं, ये टू है इस तरह, तो ये वन यहां काउंट नहीं होगा क्योंकि इक्वालिटी यहां दे रखी है इस फंक्शन पे, तो ये वन कांस्टेंट फंक्शन, एंड उसके बाद एक्स ग्रेटर देन वन के लिए वन ओवर एक्स ड्रॉ करना है। तो वन ओवर एक्स का ग्राफ किस तरह बनेगा, ये इस तरह आ जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा फंक्शन का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है क्योंकि यहां तो ये ग्राफ पैराबोला का बना एंड देन यहां ये ब्रेक हो रहा है तो कंटिन्यूटी नहीं है, तो नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू जीरो पे। जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। उसके बाद हमें वन पे चेक करना है, तो यहां विदाउट लिफ्टिंग पेन वी कैन ड्रॉ, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू वन पे, एंड शार्प कॉर्नर आ रहा है वन पे, वन पे ये शार्प कॉर्नर है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो ग्राफिकली इस तरह से चेक कर सकते हैं, इजी रहता है, टाइम कम लगता है। एंड एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वन एंड प्लस x माइनस टू, हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पीस वाइज डिफाइन तो करना ही पड़ेगा, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देख लेते हैं कहां ब्रेक होगा, वन पे एंड टू पे, तो वन एंड टू के अलावा तो इन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वन एंड टू इन दो पॉइंट्स पे ही हम चेक करेंगे।
तो यहां x लेस देन वन के लिए, लेस देन इक्वल टू वन के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव x और प्लस वन, नेगेटिव साइन लगेगा एंड ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस टू हो जाएगा यहां। उसके बाद वन एंड टू में वन लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू टू, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x माइनस वन एंड ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस टू। एंड ग्रेटर देन टू के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री। एंड यहां बनेगा x कैंसल आउट, यहां वन हो जाएगा एंड यहां टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू वन, वन लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू टू एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो लाइंस है ये, स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इनका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। वन एंड टू में यहां वन ले लेते हैं, यहां टू, वन एंड टू में वन हो रहा है एंड उसके बाद ये लाइन इस तरह बन जाएगी। तो कंटिन्यूटी तो है, कंटिन्यूअस तो रहेगा ये, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी कहां नहीं होगी, वन एंड टू पे, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू टू। तो इस तरह से चेक करना होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्वालिटेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।